हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। कल हमने पढ़ा था कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में, उसके एजेंट्स, जो डिजीज़ एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर होती है उसको कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड, कम्युनिकेबल डिजीज़ से कैसे हम प्रिवेंट, कैसे बचा जा सकता है। इफ़ यू फॉलो सम बेसिक गाइडलाइंस टू कीप आवर सेल्फ एंड आवर सराउंडिंग क्लीन, अगर कुछ हम बेसिक गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए और हमारे चारों ओर को क्लीन रखेंगे तो कम्युनिकेबल डिजीज से बच सकते हैं। कुछ गाइडलाइंस दी हुई है। फर्स्ट है, टेक केयर ऑफ योर पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हमारे में अपनी साफ़ सफाई रखनी है। टेक बाथ डेली, डेली नहाना चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग समथिंग, कुछ भी खाने से पहले क्या है हमें हाथ को बिल्कुल अच्छे से क्लीन करना चाहिए। कट योर नेल्स रेगुलरली, हमें नाखून को डेली काटना चाहिए। कीप योर हाउस क्लीन, अपने घर को अच्छे से क्लीन करना चाहिए। यूज डिसइंफेक्टेंट्स टू क्लीन फ्लोर्स एंड बाथरूम्स, बाथरूम और फ्लोर को क्लीन करने के लिए डिसइंफेक्टेंट का यूज करना चाहिए। ये मार्केट के अंदर अलग अलग टाइप के डिसइंफेक्टेंट अवेलेबल होते हैं। अलाउ क्रॉस वेंटिलेशन ऑफ फ्रेश एयर इन टू द हाउस, रूम के अंदर खिड़कियाँ वगैरह खोलनी चाहिए ताकि जो एयर है वो क्या है घर के अंदर अच्छे से आ सके और जो सनलाइट है वो अंदर हाउस के अंदर एंटर कर सके। सनलाइट इज ए नेचुरल डिसइनफेक्टेंट दैट किल जर्म्स, सनलाइट क्या है एक नेचुरल डिसइनफेक्टेंट है। मार्केट से ला के और फिर बाथरूम को क्लीन करके और घर को बंद रखें, उससे अच्छा ये है कि अच्छे से खिड़कियाँ खोलें और जहाँ से सनलाइट अच्छे से घर में आ सके तो क्या है वो जर्म्स को किल करने में और भी अच्छा होता है, वो नेचुरल डिसइंफेक्टेंट कहलाता है। इंसेक्ट जैसे कि मॉस्किटो है, मक्खी है, कॉकरोच है, इन सब को क्या है घर से दूर रखना चाहिए। कैसे, प्रिवेंटिंग बाय दियर ब्रीडिंग इन अराउंड द हाउस, ये हाउस के आसपास भी ब्रीड या फिर ग्रोथ ना कर पाए इसके लिए क्या करना चाहिए, एक तो अपने घर को क्लीन करें। और जो मॉस्किटो है वो मोस्टली है स्टैग्नेंट वाटर में मिलते हैं, जो खड़ा पानी होता है ना एक जगह पर स्टैंडिंग वाटर, वहाँ पर वो मॉस्किटो अगर आसपास घर के पास है तो उस वाटर को रिमूव कर देना चाहिए। और इनसे बचने के लिए मॉस्किटो, छोटे बच्चों के लिए अलग से मॉस्किटो नेट आते हैं या फिर रेपेलेंट जैसे कि ओडोमॉस आता है, हाथ पाँव पर हम उसकी मालिश कर लेंगे तो उससे क्या है हमें मॉस्किटो बाइट नहीं करेंगे। यूज इंसेक्टिसाइड्स टू किल हार्मफुल इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच, या कॉकरोचों को मारने के लिए या हार्मफुल इंसेक्ट के लिए क्या है इंसेक्टिसाइड आता है उसका छिड़काव हम कर सकते हैं। और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको क्या है अदर पर्सन से थोड़ा दूर रहना है, उसको अलग से रूम में रखें या तो या उसके कपड़े वगैरह टावल जो भी यूज किया है या फिर छीके तो अपना अलग से हैंडकरचीफ यूज करें। बॉयल वाटर और यूज वाटर प्योरीफायर टू किल जर्म्स ऑन जर्म्स इन, कि बॉयल वाटर पीना चाहिए ताकि जर्म्स वगैरह है और ज़्यादा ना फैल पाए। कीप फूड एंड वाटर प्रॉपरली स्टोर्ड इन योर होम, जो फूड है, भोजन है, पानी अच्छे से स्टोर करना चाहिए, अच्छे से क्लीन रखना चाहिए, अपने घर को भी और ख़ुद को भी क्लीन करना, जो भी फूड खाएं उसको अच्छे से ढक के रखें। और जो रोड साइड पे जो अलग से अलग चीज़ें मिलती है रखते हैं खाने पीने की, उनके ऊपर मक्खियाँ बैठ जाती है, इसलिए रोड साइड जो फूड होता है वो अवॉइड करना चाहिए। वैक्सीनेशन आर अवेलेबल फॉर डिजीज़, बहुत सारी डिजीज़ के लिए क्या है वैक्सीनेशन प्रोवाइडेड है तो वो बच्चों को देनी चाहिए, ये छोटे बच्चों को पहले ही दी जाती है। क्यों दी जाती है, वैक्सीन प्रोड्यूस इम्यूनिटी इन योर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द जर्म्स ऑफ द डिजीज, ये डिजीज़ बाद में फैल अगर फैल हो भी जाए तो उसके लिए क्या है पहले से वैक्सीनेशन दी हुई होती है तो बॉडी उसके अगेंस्ट लड़ने में बॉडी को आसानी होता है और जल्दी ही ठीक हो सकता है। बहुत सारी डिजीज़ के लिए वैक्सीनेशन प्रोवाइडेड है, पोलियो के लिए जैसे छोटे बच्चों को पोलियो की बूंद ड्रॉप पिलाते, पहले पोलियो की वजह से बहुत सारी डेथ होती थी क्योंकि पोलियो की वैक्सीन नहीं थी, उसके बाद वैक्सीन आ गई इसकी ड्रॉप भी पिलाते हैं। अब टाइफाइड की, चिकन पॉक्स की, जब 5 साल से छोटा बच्चा हो ना तो तब तक इन सब डिजीज़ के लिए वैक्सीनेशन करवाते हैं।
पेरेंट्स बच्चों के लिए ट्यूबरकुलोसिस की पोलियो डिप्थीरिया एडीपीटी की फुल फॉर्म है डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस इकट्ठा इंजेक्शन लगाते हैं मीजल्स छोटे बच्चों के लिए। उसके बाद नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ऐसी डिजीज जो इन्फेक्टिव पर्सन से हेल्दी पर्सन को स्प्रेड नहीं हो सकती, जैसे कि मैंने विटामिन कोई भी विटामिन जैसे बी है या सी है कम अमाउंट में लिया और ए और डी लिया तो विटामिन बी और सी की कमी हो जाएगी तो वो मेरे अंदर होगी, ये नहीं कि अनदर पर्सन ने वो ले लिया है और मेरे से वो उस पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाएगी। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ है जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर स्प्रेड नहीं हो जाती। ये डिजीज़ फैलती हैं विटामिन और मिनरल्स की कमी की वजह से, इसलिए इन डिजीज़ को बोला जाता है डेफिशिएंसी डिजीज़। सम डिजीज आर प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, कुछ डिजीज हमारी बर्थ से ही प्रेजेंट होती है, वो हमारे लाइफ स्टाइल से या फिर बैड हैबिट या जिससे हम क्लीनलीनेस नहीं रखते उसकी वजह से नहीं फैलती वो। फॉर एग्जांपल जैसे कि सम पीपल आर एलर्जिक टू पोलन डस्ट, कुछ पीपल को क्या है एलर्जी होती है, थोड़ा सा डस्ट में गए तभी उनको कोल्ड हो जाता है, जुकाम हो जाता है, छींकें आना स्टार्ट हो जाती है तो, या कुछ को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है या हार्ट प्रॉब्लम, जल्दी बीपी हाई या लो हो जाता है तो वो क्या है कुछ डिजीज़ है वो इनहेरिट करते हैं हम अपने पेरेंट्स से। ये भी क्या है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आती है, कोल्ड सबसे ज़्यादा या डायबिटी हार्ट प्रॉब्लम ये सब वैसे भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि इनहेरिट पेरेंट्स से की है उसी को होगी, वैसे भी डायबिटीज हो सकती है बट कुछ इनहेरिट करके हम पेरेंट्स से भी मिलती है, जैसा कि कोल्ड ज़्यादा होता है मोस्टली देखा गया है पोलन डस्ट जिसे जैसे पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है कई वो इनहेरिट करके बच्चों में भी आ जाती है और आगे तक पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलती रहती है।